छतरपुर में नशे के सौदागरों ने एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उनका क्रिकेट को लेकर विवाद हुआ, जिसके कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना कोतवाली थाने की है, जहां 20 वर्षीय अमन खान को पहले चाकू से गोदा गया और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई का आरोप है कि मोहल्ले के चार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और क्रिकेट खेलने के दौरान किसी विवाद पर उसके भाई की हत्या की गई है। वहीं घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि जिन युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वे नशे का सौदा करते हैं और नशा करने के आदी हैं। वहीं इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद CSP ने घटना स्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। हत्या करने के बाद आरोपी फरार है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उनकी लड़का है दो जने की जब घटना इन लोगों की बच्चन बच्चन की बात चल रही थी कुल दिन से, तो ऊपर इनने आवेदन भी डालो तो हमने अपने भैया का डाटा के घर पे नहीं आया करो, और वो आया और बस इन लोगों ने उसको मारा। उन लोगों ने हमसे एक बार शिकायत की थी कि देखो बहुत तुम्हारे भैया ने गाली, बाकी हमने कहा आप रिपोर्ट डाल दो, मगर इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं डाली, ये कहते हम मारेंगे। सर यहाँ पे खेत पे, ये यहाँ पे जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, यहाँ पे था आज प्रोग्राम, हाजी जमालुद्दीन जो साइकिल वाले हैं याकूब, उनके यहाँ था यहाँ पर प्रोग्राम। तो अमन खान नाम का जो लड़का है वो यहाँ पे एक आया प्रोग्राम में, ठीक है, तो प्रोग्राम में आया, फिर उसके बाद वो यहाँ पे बैठा रहा, यहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उनमें भी दिख रहा है वो यहाँ बैठे हुए। फिर उसके बाद वो गया है पीछे मैदान है खेत पे, तो जैसे ही वो गया उसके पीछे तीन चार लड़के जितने हों, तीन चार पाँच जितने भी हों, वो उसके पीछे गए और उसके ऊपर हमला बोल दिया, उसके ऊपर तड़ातड़ गोली फायरिंग चलाई, उसको स्पॉट पे मार दिया। कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो काम वाला लड़का था अमन, जो अपनी दुकान पे जाता था। जुमा का दिन था, इसीलिए जुमा की छुट्टी रहती है, जितने भी लड़के हैं मोमनेंस के वो जुमा की छुट्टी लेते हैं, क्योंकि नमाज का वक्त है, इसीलिए नहीं जाते वो दुकान पे, और वो यहाँ आता भी नहीं है। वो तो यहाँ प्रोग्राम था पास ही में, बिल्कुल मैदान जहाँ उसका स्पॉट है, जहाँ पे उसको मारा गया उसके बगल में ही था प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम में आया था, और ये लोग इन लोगों ने उसकी फील्डिंग लगा ली, और जब प्रोग्राम से निकला तो उसके पीछे से उसको गोली मारी गई। ये थाना कोतवाली अंतर्गत थमनीगढ़ मोहल्ला है, जिसमें अमन पिता पीर बख्श, जिसकी धारदार हथियार से मृत्यु हुई है, इसमें अपराध पंजीकृत किया जा रहा है। बॉडी को PM के लिए भेजा जा चुका है और आगे विवेचना जारी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।